हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स के बाद ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए और जिसकी वजह से गर्भधारण होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। कई महिलाओं को आफ्टर पीरियड कौन से केयर करना है यह पता नहीं होता है, जिसकी वजह से कंसीव करने के लिए वो सारे उपाय कर लेती हैं लेकिन फिर भी गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्द से जल्द माँ बनना चाहती हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि पीरियड्स के बाद से ही आपको जो मैं सजेशन दे रही हूँ वो आप जरूर रिपीट करिएगा अपनी लाइफ स्टाइल में, क्योंकि फ्रेंड्स ये इतनी ज़्यादा कारगर है कि कुछ महिलाओं की ट्यूब्स ब्लॉक थे जिसमें कि बिल्कुल भी एक स्पर्म से मिलने के कोई चांसेस नहीं थे, वैसे ट्यूब्स भी ओपन हो जाते हैं और आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। ये टिप एंड ट्रिक्स बहुत हेल्प करेगी आपकी, जिसको मेडिकल साइंस भी रिसर्च बेस्ड है और मानती है। तो चलिए वो कौन से टिप्स हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड्स एंड हो जाता है उसी के बाद से आपको आपके लोअर एब्डोमिनल की मालिश करनी है, जो कि नाभि से लेकर के आपके निचले अंगों यानी प्राइवेट पार्ट तक की होनी चाहिए। और ये मालिश आपको हमेशा या तो कैस्टर ऑयल से करना चाहिए या फिर कोकोनट ऑयल से करना चाहिए। और मालिश करने के क्या फ़ायदे होंगे, देखिए हमारे शरीर में जो हमारी नाभि होती है वो हमारी केंद्र बिंदु होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स को जोड़ के रखती है। हमारी नाभि के नीचे जस्ट हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ हो जाता है। साथ ही साथ इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजन कंजप्शन अच्छे से होता है, क्योंकि जब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा आपके यूट्रस तक, और यूट्रस एक हेल्दी ग्रो का डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ट्यूब्स ब्लॉक है तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉकेज भी ओपन हो जाते हैं फर्टिलिटी मसाज से, इसीलिए आपके लोअर एब्डोमिनल की फर्टिलिटी मसाज करना बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको केवल 2 से 3 ड्रॉप तेल लेना है, आपकी नाभि में डालना है और आपको जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उसी डायरेक्शन में आपको मालिश करना है। ये मालिश एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट्स तक के लिए एवरी डे करना है, जब तक कि आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाता है। ओवुलेशन पीरियड हर महिला की अलग अलग होती है। अगर हेल्दी पीरियड साइकिल है तो 14 दिन से आपकी स्टार्ट होगी। अगर आपकी शॉर्ट पीरियड लेंथ है तो हो सकता है पीरियड एंड होने के 2 दिन बाद से ही स्टार्ट हो सकती है। या फिर फ्रेंड्स हो सकता है कि ओवुलेशन किट के सहारे आप ओवुलेशन को प्रिडिक्ट कर रही हो, तो इस कंडीशन में आपको अपने ओवुलेशन का भी ध्यान रखना है और ये फर्टिलिटी मसाज आपको पीरियड्स के बाद आपके ओवुलेशन तक करना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, डेफिनेटली बहुत सारी महिलाओं को बहुत लाभ मिले हैं। जो सेकंड काम आपको करना है वो ये करना है फ्रेंड्स कि कुछ खाने पीने की चीज़ों में आपको परहेज चालू करनी है। जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में टी का काफ़ी ज़्यादा लेने का कंजप्शन करने का हैबिट होता है, चाय जो मिल्क वाली होती है वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत अधिक होती है। इसलिए चाय आपको पीना भी है तो आप ग्रीन टी का सेवन कर सकती हैं या फिर आप ब्लूबेरी का सेवन कर सकती हैं। ऐसे चाय पीना है जो हर्बल्स होते हैं, हर्बल बेस्ड होते हैं। आपको दूध वाले जो हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो चाय को छोड़ देना है। इसके अलावा आपको रिफाइंडरी शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो वाइट शुगर हमारे किचन में काफ़ी इजली मिलता है। इसमें हाई कैलोरी होने की वजह से ही आपके मोटापे को बढ़ाता है, आपके हार्मोन्स को भी इनरेगुलर कर सकता है। इसीलिए आपको चीनी कम से कम यूज़ करना है, इसके जगह पर आप हनी को यूज़ करिए या फिर आप गुड़ को यानी जाइगरी को थोड़े मात्रा में यूज़ कर सकती हैं, या फिर नेचुरल स्वीटनेस के लिए आप नेचुरल फ्रूट्स को यूज़ करिए अपने डेली रूटीन में। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे ही पीरियड्स एंड हो जाते हैं वैसे ही आपको अनार का जूस या फिर आपको बीट का जूस, कैरेट का जूस, ये तीनों जूस में से आपको जो कंफर्ट लगे वो जूस आप बना सकती है, या तीनों को ही मिक्स करके आप जूस बनाकर डेली पीना चालू कर दीजिए। और आपको आहार में हमेशा हरे पत्तेदार साग सब्जियां जैसे पालक का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ाना है। हर 2 दिन बीच करके आपको पालक स्पिनच खाना है, ये आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है, आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करती है। कई बार पीरियड्स में जो लॉस होता है वो हमारे बॉडी में फिर से
रिकवर्ड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हेल्दी एक प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हमारे आहार में हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है पीरियड्स के बाद कि आयरन से प्रचुर मात्रा वाली ही चीज़ों को इंक्लूड करना है, खाना है, जिसकी वजह से आपके हेल्दी ग्रोथ का बहुत ही अच्छे से निर्माण हो शरीर के अंदर और टाइम पे भी ये एग आपके ओवरी से बाहर आ सके, यानी ओवुलेशन भी ओवुलेट भी आप टाइम से कर सको। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको चाइनीज फूड, फास्ट फूड या फिर आपको बहुत ज़्यादा बेकरी वाले प्रोडक्ट या फिर जो ऐसे फूड होते हैं जो पैकेज्ड में आते हैं, जो प्रिजर्व किए जाते हैं, ऐसे कोई भी फूड्स का कंजप्शन नहीं करना है। इसमें हाईली बहुत अधिक मात्रा में कंटेंट शामिल होते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स के, जो आपके लिए नुकसानदेह, आपकी फर्टिलिटी को कम करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस वजह से इन फूड्स को खाना बंद कर दीजिए। बहुत ओवर हीट चीज़ें भी लेना बंद करिए, जैसे कि आप अगर बाथ लेते हैं हॉट वाटर से वो भी बंद करना है, हॉट वाटर को पीना भी बंद करना है ड्रिंक में, या फिर इसके अलावा बहुत गर्म खाना खाना, बहुत ज़्यादा हीटेड इन्वायरमेंट में जाना, ये सबको आप थोड़ा अवॉइड करेंगी और साथ ही साथ अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में करेंगी, जिसके लिए आप योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइज का सहारा ले सकती हैं, या फिर जो आपको पसंद आता है जिससे माइंड डाइवर्ट होता है, ऐसे कुछ काम करना स्टार्ट करिए जिससे स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाए, तो आपके हार्मोन्स भी रेगुलर हो जाएंगे। ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये 100% नेचुरल होती है। कंसीवमेंट के लिए कपल्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को तो हमेशा ही रखना चाहिए। अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वजह से आप नहीं हो पा रही हैं गर्भधारण के लिए प्रिपेयर, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको 1 और 2 मंथ्स के अंदर ही कंसीव हो जाएगा। बहुत सारी महिलाओं को हेल्प मिला है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।